हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सीटी एग्जाम पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को शेड्यूल बता दूं कि जो हमारा डेली का शेड्यूल होता है, डेली सुबह 6 बजे हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, शाम को 7 बजे हम स्टैटिक जीके पढ़ते हैं और रात को 8 बजे हमारी स्पेशल क्लास होती है जनरल अवेयरनेस की। तो चलिएगा सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सेशन को आगे बढ़ाने के साथ ही मैं आपको बता दूं कि डेली जो मैं टेस्ट आप लोगों के लेता हूं उस टेस्ट की जो टाइमिंग है वो कितनी है। सुबह 7:30 बजे है करंट अफेयर का टेस्ट, एक 12 बजे मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूँ जो आप लोगों का जीए जीके का टेस्ट है, और दोस्तों 2 बजे मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूँ स्टैटिक जीके का। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है एसएससी एग्जाम्स, उसके बाद दोस्तों गौरव चौधरी को सर्च करके फॉलो कर लेना है और कोड लगाना है GC10 क्लास को अनलॉक करने के लिए। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं मेरा एक बैच है जो कि डेली 3 PM है, आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम चाहे वो CET का एग्जाम हो, SSC का, रेलवे का, DSSSB का या कोई भी एग्जाम जहां पे GA, GK, GS पूछी जाती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बैच के अंदर थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों चीजें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस आप लोगों को यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, जो सब्सक्रिप्शन है आप लोगों को तो उसके लिए आप लोग सब्सक्रिप्शन जो है वो प्लान कर सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन जो है आप लोगों का वो मेरे साथियों आप लोग 1 महीने से लगा करके 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। कोड आप लोग लगाएंगे GC10 दोस्तों। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए 1 साल से लेकर के 2 साल का जो आप लोग कोर्स परचेज करते हैं, जो आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसमें 1 साल पर 6 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा है और दोस्तों 2 साल पर 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आप लोगों को मिल रही है मात्र 7,000 रुपए में, अगर आप कोड यूज करते हैं GC10 को। साथ ही मैं बता दूं अगर आप कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं बैंक और SSC का तो आप लोगों के लिए 1 साल का पर 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मात्र 8,000 में, और आपको 2 साल का दोस्तों दो एक 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी 10,000 रुपये में GC10 कोड के साथ में आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक ही बैच में आपको सारी लाइव क्लास मिलेंगी, सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी और डाउट क्लियरिंग सेशन होगा मेरे साथियों आपकी फैकल्टी के साथ में। अन्य किसी भी बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप GC10 कोड को अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी एग्जाम्स की तैयारी आप लोगों की यहाँ पर अनअकैडमी पर कराई जाती है। चलिएगा सेशन को शुरू करेंगे और शुरू करने के साथ ही जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, तो ध्यान से आप सारी चीजों को देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, टोक्यो ओलंपिक खेलों का जो उद्घाटन है वो आप लोगों का कब है। तो दोस्तों आज है 23 जुलाई, आज ही आप लोगों का जो टोक्यो ओलंपिक है जो कि आप लोगों का 32वें नंबर का समर ओलंपिक है, आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। तो 23 जुलाई 2021 यहां पर आप लोगों की डेट बनेगी, 32वां हमारा समर ओलंपिक है जो कि टोक्यो में हो रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हमारा जो 33 ओलंपिक है जो कि 2024 में होगा समर ओलंपिक, ये आप लोगों का कहां पे आयोजित किया जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में, अब 2020 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये 2020 में होना था, कोरोना की वजह से डिले हुआ है इसलिए 2021 में हो रहा है, में भारतीय दल का आकार कितना है, मतलब इस बार जो हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, उनके कोच हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, वो सब मिलाकर के कितने पर्सन इस बार टोक्यो ओलंपिक के लिए गए हैं। तो दोस्तों आज तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं उन सभी ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा जो आप लोगों का साइज है, जो टीम हमारी गई है वो है 228 की। तो 228 में आप लोगों के जितने भी प्लेयर हैं वो सब हैं, उन सब के कोचेज हैं और सपोर्टिंग स्टाफ मिला करके कितनों का है, टोटल 228 आप लोगों के यहाँ पर हमारे जो प्लेयर हैं वो गए हैं, 18 स्पोर्ट्स में गए हैं और टोटल 228 लोग गए हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, इस साल ओलंपिक में कौन सा खेल वापसी करेगा, मतलब जो हमारा इस बार ओलंपिक में कौन सा नया गेम है जिसने वापसी की है, मतलब पहले वो गेम हुआ करता था, बीच में उस गेम को हटा दिया गया था और इस बार वो वापसी कर रहा है, तो क्या वो बेली डांस है,
बेसबॉल है, तलवारबाजी है या जूडो है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसबॉल इस बार आप लोगों का जो ओलंपिक है उसमें आप लोगों का वापसी कर रहा है, जबकि हमारा जो कराटे है वो पहली बार आप लोगों का क्या है इस बार इंक्लूड किया जाएगा। कराटे पहली बार होगा और जो बेसबॉल है वो आप लोगों का वापसी कर रहा है। तो दोनों क्वेश्चंस अलग-अलग हैं। पूछेंगे पहली बार कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ है तो आंसर में आ जाएगा कराटे, और पूछेंगे कि कौन से गेम ने वापसी की है तो आंसर में आ जाएगा आप लोगों का बेसबॉल। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के ये कुछ गेम हैं जो इस बार आपके ओलंपिक में वापस से हो रहे हैं और कुछ पहली बार हो रहे हैं, जिसमें आपका सर्फिंग है, स्पोर्ट्स क्लिम्बिंग है, स्टेक बोर्डिंग है, बेसबॉल है और कराटे है। तो ये पांच गेम मेरे दोस्तों इस बार फिर से इंट्रोड्यूस हुए हैं, इन सभी को याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में कौन सा खेल अपनी शुरुआत करेगा, मतलब पहली बार कौन सा गेम होने जा रहा है। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन पे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि कराटे जो है आप लोगों का वो मेरे दोस्तों आप लोगों का क्या हो रहा है पहली बार होगा। तो इस बार ओलंपिक 2020 जो टोक्यो ओलंपिक है आप लोगों का, वो आप लोगों का कौन सा कराटे मेरे दोस्तों, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, फेंसिंग होती है तलवारबाजी, मुझे आप लोग बताएंगे कि इस बार हमारी कौन सी फेंसर है जो पहली बार टोक्यो टीम का हिस्सा बनी है, पहली बार ओलंपिक टीम का हिस्सा बनी है, उस मेरे दोस्तों जो तलवारबाजी में जो हमारी प्लेयर हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि तलवारबाजी के लिए, फेंसिंग के लिए किस भारतीय प्लेयर ने क्वालिफाई किया था, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे आप लोगों को क्या मिलेगा, कौन सा भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने से चूक गया है, मतलब इस बार हमारा कौन सा प्लेयर है जो ओलंपिक में क्वालिफाई करना था और डिजर्व भी करता था लेकिन इस बार चूक गया और क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो दोस्तों आपका अपना फेवरेट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हिमा दास। सुनकर के आप लोगों को थोड़ा मतलब जो है हैरानी होगी कि हिमा दास कैसे क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। बेसिकली हिमा दास का जो गेम है वो दोस्तों 400 मीटर की रेस का है, लेकिन इन्होंने जो फोकस कर दिया वो 100 मीटर और 200 मीटर पर इन्होंने फोकस कर दिया। तो इस बार हिमा दास जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है, तो इसलिए आप लोगों का जो है हिमा दास है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई और टोक्यो टीम का हिस्सा नहीं है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों, कितने भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है, तो इस बार ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन से होते हैं, जिसमें आपके धावक हो गए, रिले रेस हो गई, तो ये सब ट्रैक और फील्ड एथलीट आप लोगों के कहलाते हैं। तो टोटल कितने हैं दोस्तों, टोटल आप लोगों के 26 हैं। तो टोटल 26 हमारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जिन्होंने इस बार आप लोगों का टोक्यो ओलंपिक, या फिर मैं बात करूं टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट थे, तो टोटल कुल मिलाकर के कितने हैं, 26 लोग हैं जिन्होंने मेरे दोस्तों इस बार आप लोगों का क्वालिफाई किया है। अब देखते हैं कि कितने लोग मेडल लेके आते हैं। हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ में कि हमारे सभी जो जितने भी हमारे एथलीट गए हैं वो कोई ना कोई मेडल जरूर लेकर के आए। चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों, महिला कलात्मक आयोजन। तो कलात्मक आयोजन क्या होता है, जैसे जिम्नास्टिक वगैरह नहीं होता आप लोगों ने ऐसे उछल कूद कूद करके कला करते हैं, तो उसी में मेरे दोस्तों, तो जो आप लोगों का महिला कलात्मक आयोजन है, जो वुमेन आर्टिस्टिक इवेंट है, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रही है, तो आप बता सकते हैं। नेत्रा कुमानन तो दोस्तों सेलर है, नाविक, नाव वाला मामला है। माना पटेल मेरे दोस्तों नहीं है, माना पटेल भी, माना पटेल के बारे में मैंने बताया था स्विमर है आप लोगों की, यहां पर नाम आ जाएगा प्रणति नायक का। तो प्रणति नायक जो है वो महिला कलात्मक आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व इस बार कर रही है। नाम लिख लीजिएगा प्रणति नायक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, कौन से टेनिस खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में नहीं खेलेंगे, तो इसमें से कौन सा हमारा टेनिस प्लेयर है जो इस बार टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा नहीं है, तो रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, अंकिता रैना या सुमित नागपाल। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि इस बार जो हमारी टीम खेलेगी डबल्स में, एक आप लोगों ने देखा होगा टेनिस का एक हिस्सा होता है सिंगल, एक होता है आप लोगों का डबल,
तो जो मिक्स्ड डबल में है इस बार सानिया मिर्जा और अंकिता रैना है, इन दोनों का नाम आप जानते हो। इस बार मिक्स्ड डबल में पुरुषों की कोई टीम नहीं है भारत की, और उसमें रोहन बोपन्ना जो है वो इस बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस बार ओलंपिक नहीं खेल रहे हैं। तो जो पुरुषों की मेंस टीम है भारत की मिक्स्ड डबल इवेंट में, वो मेरे दोस्तों रोहन बोपन्ना इस बार हिस्सा नहीं है आप लोगों के टोक्यो ओलंपिक का। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे सारी चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो ये बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों इंडियन फीमेल रेसलर जो पहली भी हैं और एकमात्र भी हैं, उनका नाम है साक्षी मलिक। क्या नाम है? साक्षी मलिक मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में देखेंगे साक्षी मलिक उनका नाम है, और साक्षी मलिक ने पिछली बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन इस बार टीम का हिस्सा नहीं है। जैसा कि हम कहते हैं कि अगर किसी की कॉन्टिन्यूटी टूटी, अगर आपने प्रैक्टिस करनी छोड़ी किसी भी चीज में, तो आप मेरे दोस्तों चीजों को भूल भी सकते हैं। तो इस बार साक्षी मलिक के साथ में वही हुआ, ये क्वालिफाई नहीं कर पाई, और साक्षी मलिक एकमात्र महिला पहलवान है जिन्होंने अब तक मेरे दोस्तों रेसलिंग में, पहलवानी में मेडल जीता है भारत के लिए ओलंपिक में। इस बार हमारी उम्मीदें विनेश फोगट से हम कर सकते हैं। सोनम मलिक जो है मात्र 19 साल की है, हरियाणा से बिलोंग करती हैं, जो इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट से, कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा? तो उस बैडमिंटन खिलाड़ी के बारे में बता दीजिएगा, साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है, बी साई प्रणीत है, या चिराग शेट्टी है? तो आप बिल्कुल सही, इस बार साइना नेहवाल जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है, तो आंसर जो है आप लोगों का वो साइना नेहवाल बना है। यहां तक मेरी बात अगर आप लोगों को क्लियरली समझ में आई है, सारी चीजें क्लियर हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों GC10, और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो को जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, और डेली सुबह 6 बजे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ करंट अफेयर, ताजा ताजा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।